टाइटन के पंख अभी भी सरवाइव कर रहे, तीन फिनिश है, बैक स्टेप कर सकते हैं, इन्हें पता है कि अभी भी वो चांस बनना बाकी है, अब वो चांस बन चुका है, यहां से स्प्रे तो करना बनता, एग्जैक्टली स्प्रे किया गया, एक खिलाड़ी डाउन, दूसरे खिलाड़ी को भी ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया, बहुत बड़ी गलती एक स्पार्क की तरफ से, और पंख उतना ही ज्यादा बेटर। देखिए बैक्स वहां पे क्लियर की नहीं गई और पंख के मैं उसी चीज की बात कर भी रहा था, 8 फिनिशर्स जाएंगे टीम एक्स पार्क के पास, चौथे मैदान पे एलिमिनेट होते हुए नजर भी आएंगे, वही इनफैक्ट पंख की बात करें वो चौथे मैदान पे एलिमिनेट हुए, बट इन सबके बीच में ब्लाइंड के मान्या वो अभी तक सर्वाइव कर रहे, टीम हाइड्रा वो बढ़ रहे हैं उस चिकन डिनर के लिए, एक बढ़िया ग्रेनेड विजन को वहां पे डाउन किया जाएगा, टीम ओआरबी अभी तक मुकाबला बहुत बेहतर गया है, बट अब टीम हाइड्रा को भी पता है कि सामने वाली टीम वल्नरेबल है, ग्रेनेड का इस्तेमाल एक के बाद एक किया जा रहा है, बट इसी बीच ओआरबी के खेमे में वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक बार फिर से वो 4v4 की फाइट, बट लिंच का एक बेहतर ग्रेनेड, पर्श को वहां पे डाउन किया जाएगा, स्प्रे गॉड गोज डाउन एज वेल, है बाजी, टीम हाइड्रा को बैकफुट पर डाला जाएगा, बट वो एक खिलाड़ी सब पर भारी, डुओ राओपी काफी अच्छे तरीके से हाइड्रा से यह मौका छीना गया, एक सेकंड के लिए लगा था कि शायद कमबैक कर सकते हैं, बट इन सब चीज के बीच मान्या जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल में फोकस किया, ये फाइनल ग्रेनेड, विनर विनर चिकन डिनर, टीम ब्लाइंड लेके जाएंगे।